नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। वे लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने पहली बार 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती और 21 राज्यों की सत्ता में भी शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। पीएम ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपनी माँ को भी याद किया। अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेक ओवर से आपके दाग नहीं छुपेंगे। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मंगलवार को हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी का नाम सामने आने के बाद पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उन्हें डमी सीएम बताते हुए कहा कि यह दिल्ली के लिए दुखद दिन है। स्वाति ने आतिशी के माता पिता पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस आर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा लेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के मेंटेनेंस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अच्छा काम करेंगे तो हम अवार्ड देंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो एनएचएआई से छुट्टी कर देंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए हैं। अब हमें लोगों को रिटायर और सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड कर बैंक गारंटी जब्त करेंगे। इंदौर महापौर पुष्मित्र भार्गव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। भार्गव ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छ मशाल यात्रा निकाली जाएगी। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों पर अब रोज सुबह नया गाना सुनाई देगा। इस बार सोनू निगम की आवाज में गाना रिकॉर्ड कराया गया है। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर शाम करीब 6:30 बजे से रोशनी से जगमग झांकियों की शुरुआत हुई। अल सुबह तक 26 छोटी बड़ी झांकियां निकलेंगी। पूरा शहर हमेशा की तरह रत जगा करेगा। झांकी जुलूस की शुरुआत भंडारे ब्रिज के पास हुई। सबसे आगे खजराना गणेश की झांकी है। जुलूस चिकमंगलूर चौराहा से एमजी रोड कृष्णपुरा राजबाड़ा होते हुए पश्चिम क्षेत्र के बाजार में पहुंचेगा। वहां से झांकियां पुनः अपने स्थानों पर लौट जाएंगी। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मानसूनी सिस्टम स्ट्रांग रहा, इस वजह से 24 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 9 घंटे में रीवा में सबसे ज्यादा 4 इंच पानी गिर गया। इसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की वर्चुअली शुरुआत करनी पड़ी। वे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। वहीं इंदौर संभाग में तेज बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण 21 जिलों में बाढ़ आ गई। वहीं 200 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में 85 घाट और 2000 छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूब गए। घाट किनारे बसी कॉलोनियों में पानी भर गया। 25,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि।